आज लकड़ी नबीगंज के गोपालपुर में अपराधियों ने एक युवक के ऊपर की अंधाधुंध फायरिंग। बाल बाल बचा युवक, मौके से एक अपराधी हुआ गिरफ्तार। खबर है कि लकड़ी नबीगंज के गोपालपुर में आज रविवार की शाम गोलीबारी हुई, जिसमें हरपुर के रंजीत सिंह बाल बाल बच गए। अपराधी का निशाना चूक गया और गोली सर के पीछे से निकल गई। बताया जा रहा है कि रंजीत सिंह अपने ससुराल पड़ौली चनुआ टोला एक श्राद्ध क्रम में जा रहे थे। गोपालपुर नहर पर बाइक पर 3 की संख्या में सवार ओवरटेक कर अपराधियों ने उनके ऊपर गोली चला दी और भागने लगे। तभी रंजीत सिंह ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए छोटू पांडे को बंदूक के साथ पकड़ लिया। अपराधी पड़ौली निवासी लक्ष्मण पांडे का पुत्र है। मौके पर मशरख थाना प्रभारी राजेश कुमार व लकड़ी नबीगंज ओपी थाना अध्यक्ष सूरज कुमार दलबल के साथ मामले की जांच में जुट गए हैं व एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य 2 भागने में सफल रहे। बताया जाता है कि छोटू के ऊपर कई आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं। इस घटना के बाद गोपालपुर नहर पर लगभग 400 लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया है, जो लगातार प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। किसी तरह दोनों थाना प्रभारी के सूझबूझ से लोगों को शांत कराया गया व अपराधी को मशरख थाना ले गया।